बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे अपनी कंपनीज़ के नाम रखते हैं, आपने अपने बिजनेस का नाम कैसे सेलेक्ट करना है और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप एक अच्छा और यूनिक बिजनेस नेम रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ उमैर अंसर और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज़ अ ग्रेट बिजनेस नेम फॉर योर स्टार्टअप। दुनिया में एस्टिमेटेड 333 मिलियन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें कुछ बड़े ब्रांड्स लाइक एप्पल, गूगल और बहुत सी छोटी कंपनीज भी शामिल हैं। अब इतने कंपटीशन में कैसे एक न्यू कंपनी को लॉन्च करें और स्पेशली उसका नाम क्या रखें जो कि आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करे। याद रखें कि एक ब्रांड नेम एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होता है इंटरनेट के ऊपर। ब्रांड नेम एक कंपनी की सबसे पहली आइडेंटिटी है। लोगो, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ कस्टमर को याद रह जाती है वो है ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम को यूनिक, मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल होना चाहिए, जो कि कस्टमर्स के माइंड में अपनी जगह बना ले। लाइक फेसबुक, याहू, गूगल, OLX, इस तरह के ब्रांड नेम कस्टमर के माइंड में अपनी जगह बना लेते हैं। कस्टमर किसी को भी रेफ़र करता है ना, तो उसको वो नाम झट से उसके माइंड में आ जाता है। अब ऐसा यूनिक नेम आप अपनी कंपनी के लिए कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। पॉइंट नंबर 1, और किसी भी ब्रांड का नाम रखने का वन ऑफ द ईजिएस्ट वे, आप अपने ब्रांड को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है। आप अपने नाम का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इनको कंबाइन करके भी अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपका बिज़नेस किसी भी कैटेगरी का हो, आप अपने नाम के ऊपर अपने बिज़नेस का नाम रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सी बड़ी कंपनीज ऐसा कर भी रही हैं, जैसा कि मार्क एंड स्पेंसर, लुई वुइटन, आज़ाद चाय वाला, उमैर अंसर। इसी तरह आप भी अपने ब्रांड का नेम अपने नाम के ऊपर रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कीप इट शॉर्ट। कोशिश करें जितना हो सके अपने ब्रांड नेम को छोटा रखें, क्योंकि जितना वो छोटा होगा उतना ही स्पेल करने में इजी होगा और बोलने में भी इजी होगा। लाइक BMW, OLX, कोक, मैक, इस तरह के नाम जल्दी से कस्टमर को याद हो जाते हैं और कस्टमर कभी भूलता भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आपके ब्रांड नेम का आपके बिजनेस की कैटेगरी को इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रांड नेम को सुनते ही कस्टमर को पता लग जाए कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, zameen.com, फूड पांडा, ग्रोसर ऐप, बाइकिया, ये नाम सुन के ही कस्टमर को पता लग जाता है कि ये कंपनी क्या काम करती होगी। बाइकिया बाइक से मुतल्लिक कोई काम करती होगी, बाइक की कोई ऐप होगी, ठीक है ना, उसके लोगों से बाकी मैसेज डिलीवर हो जाता है। ग्रोसर ऐप मतलब ग्रोसरी की ऐप। फूड पैंडा, फूड से रिलेटेड कोई ऐप होगी। इसी तरह zameen.com, प्रॉपर्टी का कोई काम करते होंगे। आपका नाम ही बता दे कि आप क्या काम करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने ब्रांड नेम में रेपुटेशन रखने की कोशिश करें। एक स्टडी के मुताबिक कस्टमर्स उन ब्रांड नेम्स पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं जिनके नाम में रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला, किट कैट, चिली मिली, कोकोमो, इन नामों के अंदर रेपुटेशन है। और कोशिश करें कि अगर आपके ब्रांड नेम में दो नाम हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो कोशिश करें कि उनके फर्स्ट लेटर्स दोनों एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल, हीरो होंडा, किंग कॉन्ग, अमेरिकन एयरलाइन। इसी तरह जो फर्स्ट नेम का पहला लेटर है वही लास्ट नेम का पहला लेटर भी हो, तो ऐसे नामों पर भी कस्टमर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 5, देखें कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये अपने बिजनेसिस के नाम कैसे रखते हैं। कोको कोला, ये नाम कैसे रखा उन्होंने, कोको लीव्स, कोला बेरीज, इनको उन्होंने मिक्स किया, कोको कोला बन गया। एक डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, इसमें से निकल आया पेप्सी। फिनलैंड की एक सिटी है नोकिया। इसी तरह आप खुद भी इंटरनेट पर रिसर्च करें कि जिस कैटेगरी का बिजनेस आपका है उस कैटेगरी में जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने नाम को किस तरह रखा है, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, वो मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी, वो मिस्टेक्स जो बहुत से लोग कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, बहुत से बिजनेसेस ऐसा भी करते हैं कि जो वो ब्रांड नेम्स फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं वो उसकी .com डोमेन को चेक नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सारे प्रोसेस के बाद एक यूनिक ब्रांड नेम निकाल लेते हैं तो चेक करें कि इसकी .com डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो .com डोमेन है तो वो नाम आपके लिए परफेक्ट है। अगर किसी और ने वो .com डोमेन लेकर रख ली है तो आप चेक करें, जो कि मिस्टेक नंबर 2 है, कि इसके सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं।
इसके लिए एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप सिंपल अपना नाम वहां पर टाइप इन करेंगे, वो आपको बता देगा कि आपका नाम किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसकी .com डोमेन है या नहीं है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो ब्रांड नेम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं ये यूनिक ब्रांड नेम है या ऑलरेडी लोगों ने ये ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ है। क्योंकि अगर आप ऐसे ब्रांड नेम के साथ जाएंगे जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर लिया है तो उस ब्रांड नेम पर रैंक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इन केस आपने अपना ब्रांड नेम किसी को बताया, उसने वो ब्रांड नेम जाकर गूगल पर सर्च किया और वो आपसे पहले किसी ने रैंक कर लिया है तो उसकी कंपनी गूगल उस कस्टमर को दिखाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका ब्रांड नेम यूनिक हो, जो पहले किसी ने ना रखा हो, कोशिश यही करें। मिस्टेक नंबर 3, आप जो भी नाम रख रहे हैं सबसे पहले चेक कर लें कि ये नाम किसी और लैंग्वेज में या किसी और कल्चर में, इसका मतलब कुछ और तो नहीं है। बहुत से वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपके लैंग्वेज के अंदर उनका मतलब कुछ और है और किसी और कल्चर या लैंग्वेज में उन वर्ड्स का मतलब कुछ और है, तो ये लाजमी चेक कर लें कि जो आप ब्रांड नेम रखने जा रहे हैं इसका मतलब आपकी लैंग्वेज में जो है वो अदर लैंग्वेजेस में इसका मतलब कुछ अजीब तो नहीं निकल रहा, ये लाजमी आप चेक कर लें। ओके जी, तो अब हम एक रीकैप कर लेते हैं। आपने अपने ब्रांड नेम को यूनिक रखना है, मेमोरेबल रखना है, अनफॉरगेटेबल रखना है, प्लस आपने चेक कर लेना है कि आपके नाम की डोमेन अवेलेबल है, सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपका ब्रांड नेम यूनिक है, तो फौरन से पहले ब्रांड नेम रख लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इसी ब्रांड नेम के साथ आगे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर चलेंगे कि आगे आपने .com डोमेन लेकर क्या करनी है, .com डोमेन कैसे ख़रीदनी है, सोशल मीडिया हैंडल्स कैसे बनाने हैं, गूगल पर अपने ब्रांड नेम को कैसे लेकर जाना है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।